हाँ जी जी पंडित नमस्कार। जी, वेलकम वेलकम पंडित जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बेहतर। हाँ आज तो गर्मी नहीं हो रही है, आज आपको यहाँ गर्मी पे का अंदाज। तो उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा अच्छा ये क्या वजह? यहाँ पे तो मौसम इतना गर्म नहीं है पाकिस्तान नहीं, में, मैं इंडिया में रहता हूँ ना। तो इतनी दूर तो नहीं है क्या? इंडिया तो बाजू में ही है ना। हाँ बाजू में है, लेकिन मतलब इंडिया काफी ऊपर से नीचे है। किसी जगह अगर पूरा ठंडी होगी, चिल्ड ठंडी, किसी जगह पूरा फुल गर्मी। अच्छा तो आप गर्म जगह पे हैं? हाँ हाँ वो अच्छा, ऋषिकेश, दिल्ली साइड वो ठंडी होगी, लेकिन हमारे यहाँ यहाँ पे काफी उमस है, गर्मी है। तो खैर अभी तो मतलब वो मंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये महीने भी वो गर्मी वाले मेरे ख्याल में गुजर गए हैं ना। अब तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा हाँ, थोड़ा है। थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन मतलब साउथ की साइड वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। मतलब ये 24, ये 365 दिन ये गर्मी रहती है वहां पे, ठंड इतना ज्यादा नहीं रहती। वो ट्रॉपिक मतलब ये इक्वेटर के पास होता है ना, तो इसलिए। अच्छा पंडित जी, ये पिक्चर आपकी है अपनी है एडी जी की? अपनी है। अच्छा आप तो काफी यंग है फिर तो। खैर जो भी है, मतलब हूं तो यही। आपके शाद भाई कहाँ चले गए वैसे? हाँ वो शाहिद भाई काम में, मैं उन्हीं के वजह से आया ना, तो उन्हीं के आपने साथ उनको बात। एमबीए और सर्टिफिकेट जो है ना ये बता के आपने उन्हें डरा दिया? नहीं, मतलब लिखा मैं मिस्त्री हूं, तो वो उपयोग करने के लिए मैं थोड़ा मतलब अपना तारुफ करवा दिया। नहीं, आपने एमबीए और डिग्री वगैरह का जिक्र किया तो शायद भाई समझे कि ये तो मतलब बहुत खतरनाक है। मतलब खतरनाक तो नहीं, मतलब ये सच बोलने वाले हमेशा खतरनाक होते हैं, वो भी सच बोलते हैं, मैं भी सच बोलता हूँ, तो उनको थोड़े बहुत डाउट से उनको अगर मैं आज क्लियर कर देता तो आपको भी काफी तसल्ली होती। तो मैं अच्छा ऐसी हूँ। मैं, मेरे भी कुछ डाउट्स हैं पंडित जी आपके हवाले से। जी बिल्कुल। अच्छा पहले तो ये बताएं कि आप सही सही बताएं कि आप किस पे बिलीव रखते हैं, क्या आपके अकायद क्या हैं, आपका अकीदा क्या है? जी मतलब एक साइड है बिलीफ सिस्टम, एक साइड है प्रोबिंग सिस्टम। प्रोब समझ रहे हो? PROBE, प्रोब, प्रॉप। PROBE, प्रोब। प्रोब मतलब हाँ, समझ उसको जी। इन्वेस्टिगेशन करना। एक साइड है बिलीफ सिस्टम, वो है फिक्स्ड। एक साइड है प्रोबिंग सिस्टम, या उसको क्या कहते हैं, सीकिंग सिस्टम। वी आर सीकर्स, वी आर नॉट बिलीवर्स। सीकर मतलब आप समझ रहे हो, किसी चीज को जानने की कोशिश करना। तलाश है, जिस एक चीज की जी तलाश है जी आपको। जी एक है बिलीफ सिस्टम, जिसमें एक फिक्स्ड आइडिया के ऊपर लोग चलते हैं। एक है तलाश करना, मतलब जो सिस्टम तलाश करना सिखाता है, ये हम वही सिस्टम से आते हैं जो तलाश करना सिखाते हैं। तो आप तलाश कब तक तलाश करेंगे? अब तक आपको मिला नहीं कोई? नहीं, कब तक करेंगे? जब तक खुदा नहीं मिल जाता तो ये क्या गारंटी है कि आप तलाश करोगे तो आप ही का रास्ता जो है ना वो सही रास्ता है और इसी रास्ते पे आपको तक। नहीं, मिलेगा? यहाँ पे एक रास्ते से आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे वैरायटी ऑफ ये रास्ते हैं खुदा तक पहुंचने के लिए, ठीक है अच्छा काफी रास्ते हैं। जी। काफी रास्ते हैं, तो काफी रास्ते अगर है तो इसके लिए आपको एक गुरु, मतलब जो खुदा तक पहुंचा हुआ आदमी है, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। उसी को वो जो जैसे बोलता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तब आप खुदा तक पहुंच जाएंगे या मोक्ष आपको मिल जाएगा। ये है मोटा मोटी आइडिया। तो कोई अभी तक करना आपको चाहेगा? कोई इस तरह से नहीं मिला जो
आपको पहुंचा सके या जी तो फिलहाल तो मतलब उस डायरेक्शन में मैं गया नहीं हूं, मतलब ये भी कोई कंपलसरी नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको नहीं जाना है वो बस मतलब आएगा खाएगा पिएगा अपना काम करेगा मतलब मर जाएगा। ये ऐसा कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, तेरे को इसी रास्ते पे चलना ही चलना है। अच्छा नहीं मेरे ठीक है, को आप सीकर हैं, आपने कहा कि आप सीकर हैं ना, अच्छा आपको तलाश है, जी ठीक है, फिर आपने अपने नाम के साथ एटीएस भी लिखा हुआ है, जी तो क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ये है? बिल्कुल नहीं है, गॉड के ऊपर जो बिलीव करता है वो है बिलीवर, कोई खुदा है जिसके ऊपर वो कोई बिलीव करता है वो है बिलीवर, जो बिलीव नहीं करता वो क्या होगा। हमारे पास तो कोई खुदा है नहीं जो हमें मतलब डिक्टेशन दे, तो हम क्या होंगे फिर। आप एथियस्टी होंगे फिर, ठीक है, तो फिर मैं एथिस्ट हूं, हम तो बुद्ध बनाते हैं, क्या बुद्ध के ऊपर ईमान लाए आप बोलो। हम बुद्ध बनाते हैं, बुद्ध के ऊपर हम ईमान लाए या बुद्ध की सुन्नत को फॉलो करें आप अच्छा बताओ। आप तो बुत मैं परस्ती में नहीं मानते हैं? नहीं, मैं तो बुत परस्ती करता हूं ना, आपके हिसाब से जो बुत परस्ती है वो ही मैं करता हूं, तो मैं क्या होगा, एथिस्ट होगा या बिलीवर। अगर आपसे कोई आम इंसान पूछे कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मैं सनातन धर्म अच्छा, मुझे जी, तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि आप किस नजरिए से ये सब सोच रहे हैं, मतलब क्या सोच है आपकी, कैसे आप हर साथ? हर हर हिंदू यही है, वहां पे एक बिलीफ सिस्टम चलता है, एक खुदा है उसके मतलब उसको ये 5 टाइम नमाज पढ़ना है या मतलब वो हज अच्छा करना फिर आप है बुत जकात। परस्ती क्यों करते हैं, बुत परस्ती फिर क्यों करते हैं? जी क्यों करता हूं बुत परस्ती क्यों करता हूं, तो बुत परस्ती जैसा आपके किताब में लिखा हुआ है बुत परस्ती वैसा है नहीं, बुत परस्ती कुछ और चीज है। जरा बताएं हमें कि बुत परस्ती में क्या बुद्ध साइंस छुपा हुआ है, इसमें क्या होता है बुत पर परस्ती में? ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये नाम सुने सुने हो आप, जरा फिर से बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप ये गूगल कर लो, स्क्रीन पे ले आओ ताकि जो भी देख रहे हैं वो भी देख ले। अच्छा फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, आप बोलते जाएं, इसमें क्या होता है, ये क्या चीज है? मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब इंसानों में सबसे बेहतर वो कौन थे, वो राम जी थे, तो उन्हीं के फुटस्टेप्स को आपको फॉलो कर रहा है, यही है। तो वो उनके फुटस्टेप्स वो क्या किस वो धर्म को फॉलो करते थे, फिर धर्म क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक धर्म है ना, वही है वही है। ये तो फिर एक गॉड में मानना हुआ ना, ठीक है ना, कि आप मानते हैं उसे गॉड ना, इसलिए तो आप उसकी पूजा करते हो, ठीक है। अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ पे गॉड कहाँ लिखा है, अच्छा ये फिर तो ये क्या पुरुषोत्तम चीज़ है राम फिर? लिखा हुआ है ना, राम हमारे पुरखे थे, तो उनके फुटस्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सबसे बेहतरीन इंसान आज तक जितने भी आए, सबसे बेहतरीन इंसान इंसान थे राम, हम हैं राम जी के भक्त। तो फिर आजर के वक्त कौन है? जी मैं तो आजर भी मेरे लिए मतलब वही है, मतलब एक बेहतरीन इंसान, उनकी मैं पूजा करूंगा आगे से। मैं जब अपना चैनल खोलूंगा दी एथिस्ट पंडित शो, सबसे पहले मैं आजर की पूजा कर मतलब हर शो स्टार्ट होगा आजर की पूजा से, आजर जी की पूजा से। मैं उनको बेहतरीन इंसान मानता हूँ इसलिए मैं उनकी पूजा तो फिर करूंगा। आप खुद को एथियस्ट कैसे बुलाते हैं वो, जब आप किसी तो पे फिर यकीन रखते हो या किसी को गॉड का दर्जा देते हो, तो फिर आप एथियस्ट तो नहीं रहे? आजाद साहब क्या खुदा थे, मैं उनकी पूजा करूंगा, वो तो खुदा नहीं थे।
पूजा तो मैं उन्हीं की करूंगा। अच्छा, तो इस तरह से कोई और है आपके अलावा, कोई और भी है जो आपके नजरियात पे चलता हो? हर हिंदू यही चलता है, हर हिंदू तो जो भी बुत परस्ती करते हैं हिंदुओं में, आप जिसको हिंदू बोलते हो सनातनियों में, तो वो सब यही, कोई दुर्गा माता की पूजा करता है, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कोई काली माता की पूजा करता है, कोई ये गणेश भगवान की पूजा करता है, देखें कोई शंकर महादेव की पूजा करता है। देखें, ये जो जितने इंडिया में ये जो एक एक्स मुस्लिम्स जो निकले हैं, ये एक्स मुस्लिम्स खुद को क्या बोलते हैं, ये एथियस्ट ही है ना? एक इस एक धर्म से ये यहाँ निकल के गए हैं तो एथियस्ट हो गए ना अभी? पे दो ये यहाँ पे दो पेंच है, ठीक है। पेंच आप समझते हो, फंसा हुआ है मामला जिस जगह। यहाँ पे एक की ट्रेनिंग इस्लामिक आइडियोलॉजी से हुआ है, तो वो इस्लाम को खारिज कर देता है, ठीक है, तब वो बन जाता है क्या है आपका, एथिस्ट। वो अपने आप को एथिस्ट कहता है, मैं इस्लाम को आज से नहीं मानता, लेकिन ट्रेनिंग इस्लामिक अपब्रिंगिंग उसकी हुई है, ठीक है। ये आजार साहब जो थे वो तो उनकी तो ये ट्रेनिंग इस्लामिक अपब्रिंगिंग नहीं थी, उसकी सनातनी अपब्रिंगिंग थी। हम पैदाइशी एथिस्ट हैं, आजार साहब जैसे थे हम वैसे हैं, हम शुरू से ही हमारा कुछ अलग ये उसको क्या कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन है, और हमारे कुछ अलग मोरल्स है जिसके थ्रू हमारे बच्चे ट्रेनिंग होके वो एक सनातनी बनते हैं, जैसे आजार साहब बने थे। तो हमारे में और उनमें में ये डिफरेंस है, हम जो बचपन से ये एथिस्टिक वे ऑफ लाइफ में हम ट्रेंड है, वो लोग अभी इस्लाम उनके अंदर इस्लाम है लेकिन वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग इस्लामिक है, ठीक है, लेकिन वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जकात नहीं देते, ये जो पांच ये आपको फॉलो करना होता है वो नहीं करते, वो ऐसे एथिस्ट है। हम पैदाइशी एथिस्ट, हमारा अपब्रिंगिंग एथिस्ट वे ऑफ लाइफ में हुआ है, ये डिफरेंस है। हाँ, शायद भाई बोलते हैं हवाला लेने गए। चले, अच्छा, तो आपका नजरिया तो बहुत ही अलग है। वैसे मैं पहले ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जो खुद को जो है ना एथियस्ट भी बोलते हैं और पूजा भी करते हैं। और ऐसे आपने ये भी नहीं बताया कि ये बुत बुत परस्ती के पीछे क्या साइंस छुपा हुआ है? आप लोग क्यों ये बुत बुत से बुत की पूजा क्यों करते हो आप लोग? कोई वजह है इसकी? जी, बेहतर बेहतर है। तो जैसे आपके लिए मोहम्मद साहब रोल मॉडल है, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके लिए रोल मॉडल है, वैसे राम हमारे लिए रोल मॉडल है। ये जितने भी आप देख रहे हो, ये जिनको आपके किताब बोल रहा है ये झूठा खुदा, ये एक्चुअली झूठा खुदा नहीं, ये हमारे रोल मॉडल्स, ठीक है, इनके फुटस्टेप्स के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है, चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे डिफरेंस है रूल्स रेगुलेशन की। जिस जिस चीज को आप वहां पे आसमानी किताब हलाल करके रखा है वो चीज हम हराम मानते हैं। तो ये जो बुद्ध के सामने बुद्ध प्रति ऐसे इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने बच्चों को हक क्या है, बातिल क्या है, ये समझा सके, वो हक है, वो क्यों हक है, कैसे हक है, वो बातिल है, क्यों बातिल है, कैसे अच्छा, बातिल है। तो आपकी नजर में हक क्या है और बातिल क्या है आपकी नजर में? जी, ये सबसे आसान ये शब्द में अगर मैं बोलूं, जिस काम से दूसरों को दूसरे जानदार को तकलीफ पहुंचती है वो है बातिल। जो जिस काम से जिस व्यवहार से दूसरे जानदार को, इंसान को नहीं, जितने भी जानदार है और गैर जानदार है उनको ये फायदा फायदा होता है वो है हक। यहाँ पे एक है वो जितने जानदार और गैर, इंसानों के साथ
इंसानों के हवाले से हक और बातिल बताए ना, जानवरों के हवाले से क्या करनी, हमें इंसानों के हवाले से करनी। मतलब हर एक मतलब जानदार भी मतलब जो भी इंसान भी तो जानदार है ना। इंसान तो हम जैसे मानते हैं सबके अंदर आत्मा है। इंसान मतलब जानवर के अंदर भी आत्मा है, प्लांट के अंदर भी आत्मा है, इंसान के अंदर भी आत्मा है। ये सब में एक मतलब इन सब के एक राइट से, एक ही राइट से, ठीक है। हम जो देखते हैं नेचर से वही सीखते हैं, जैसे नेचर से हमने देखा ये ये। आपको बुद्ध कैसे बताता है, ये बात आपको बुद्ध बताता है क्या? जी नहीं, ये बुद्ध तो हम बनाते हैं ताकि ही दूसरों को ट्रेनिंग दे सकें। ये आइडियोलॉजी, यही हम नेचर से देखते हैं, यही सीखते हैं, यही आपको समझाते हैं। हम ठीक है, देखते हैं जो बंदा, ये सब आपको बताता तो बुद्ध तो खुद नहीं है ना, वो तो खुद नहीं बता सकता ना आपको, नहीं ये तो नहीं 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 नामुमकिन हाँ बात है। जी। ठीक है ना, तो वहां तो पे फिर जो आप ब्राह्मण, एक छोट हाँ तो फिर आप एक छोटे बच्चे को बुद्ध की पूजा कराने के लिए क्यों, मतलब उसे क्या कहेंगे कि हम क्यों करते हैं ये बुद्ध की पूजा? हाँ जी बिल्कुल बेहतरीन। तो मैं जब अपना चैनल खोलूंगा, जब मैं अजर की पूजा करूंगा, मैं आपको सब सब समझा दूंगा वहां पे होता क्या है। आप तो नहीं मालूम, वहां पे सबसे पहले अगर किसी मंदिर में आप गए हो, सुबह सुबह चले जाओ, तब आपको मालूम पड़ेगा वहां पे हो क्या रहा। सबसे पहले होता है स्नान, उसके बाद होता है श्रृंगार, उसके बाद होता है स्नान श्रृंगार, उसके बाद होता है भोजन, उसके बाद होता है आरती। स्नान मतलब गुसल करना। आप रोज उठ के कैसे गुसल करोगे, कैसे दांत मंजन करोगे, कैसे ये करोगे, यही सब चीज बुद्ध मतलब बुद्ध के सामने, बुद्ध एक मतलब आप समझ लो जिंदा इंसान, उसके सामने बच्चों को सिखाया जाता है। आपको इस तरह से दांत मंजन करना है, इस तरह से टोंग क्लीन करना है, इस तरह से गुसल करना है। मतलब गुसल कैसे करोगे, पहले पैर में थोड़ा पानी डालोगे, फिर सर के ऊपर पानी डालोगे, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम ऐसे करेंगे, ये सब समझाया जाता है। उसके बाद आता है, ये है स्नान, स्नान चला गया। उसके बाद आता है श्रृंगार। श्रृंगार मतलब आपको कैसे डियो लगाना है, जैसे चंदन लगा है वो एक डियो है। डिओड्रेंट कैसे लगाना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, श्रृंगार मतलब वो ये अंगूठी कैसे पहनना है, ये कोई बाली पहना गया, बाली कैसे पहनना है, कड़ा कैसे पहनना है, ये जितने भी है ये। उसके बाद आएगा कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, स्नान, उसके बाद गया श्रृंगार, उसके बाद आएगा भोग, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये खाना है क्यों खाना है, ये खाना क्यों नहीं खाना है, ये खाना हक का खाना है, ये खाना क्यों हक का खाना नहीं, ये सब मतलब सिखाया जाता है। ये सामने भोग, हर मंदिर में आप जाओगे आपको भोग मिलेगा, जो भोग है वही है हक का खाना। यही जो लोग मतलब देख, वो कुछ कुछ आदमी समझने की काबिलियत नहीं रखते, कम से कम देख के समझ जाए, इसीलिए उनके सामने भोग लड्डू वगैरह रहता है जितने भी। ये है हक्का खाना, यही खाना हमारे मतलब जो रोल मॉडल वो खा के गए हैं, यही आपको खाना है, आपको इन जैसे बनना है, ठीक है। उसके बाद आता है मतलब ये भोग आरती, उसके बाद आरती आता है। आरती मतलब वो लोगों को कैसे आपको वेलकम करना है, गेस्ट को कैसे वेलकम करना है, जो मतलब कुछ अच्छा काम करके आया वो उसको कैसे वेलकम करना, ये चारों चीज होता है वहां पे। उसके बाद होता है पाठ, मतलब वो जो मतलब मान लो राम जी, राम जी क्या क्या करके गए जीवन में, किस हालात में वो गुजरे, उस हालात में क्या क्या डिसीजन लेके गए, आपको अगर वैसे हालात आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, यही मोटा मोटी बच्चों को ट्रेनिंग देके सिखाया जाता है। बच्चों को हम ट्रेनिंग देके मतलब उनको इंसान बनाते हैं, ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है, इसको कहते हैं संस्कार देना। हम बच्चों को, ये जो पंडित होता है ये बच्चों को, बच्चों का ट्रेनर है, ये बच्चों के अंदर संस्कार डालता है, मेरा काम यही है बस जी। आप में किसी ने ये, आपको किसने बताया ये सब, आपको किसने ट्रेनिंग दी है? मेरे 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 पिताजी ने, मेरे गुरु, जो भी मेरे गुरु हैं वो मेरे को ये ट्रेनिंग देके गए, मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देके ऐसे करके चलेगा। यहाँ तक तो कोई मतलब आसमान से तो कोई उतरता नहीं हमारे पास, तो हम ही अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, हम ही लॉ लिखते हैं, हम ही को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो हम ही करेंगे। तो इसमें आपको लगता है कि आप गॉड तक पहुंच सकते हैं?
ये चीज करके आपको गॉड तक नहीं पहुंच सकते। गॉड तक पहुंचने के लिए कुछ अलग रहता है, मतलब हम गॉड तक पहुंचाने के लिए हम लोग वो मतलब क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, पंडित क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। गॉड तक पहुंचाने के लिए जो गॉड तक पहुंचा है उनको कहते हैं परमहंस, उनका एक उपाध्याय होता है। इवन शंकराचार्य भी आपको दीक्षा नहीं दे सकते, वो गॉड तक पहुंचाने का रास्ता भी नहीं बता सकते। जी शंकराचार्य मतलब सबसे जैसे पोप होता है वैसे ही मतलब सनातन धर्म में शंकराचार्य होते हैं। तो वहां तक आप गाय जो है गाय वो मीट खाते हैं आप या नहीं? जी जी मीट पे खाता हूँ। अच्छा आप गोश्त खाते हैं? जी बिल्कुल गोश्त खाता हूँ। किस चीज गोश्त मतलब बीफ? बीफ बीफ मतलब नहीं, बीफ नहीं मैं खाता। क्या बोल मांस बोलते हैं जिसे, नहीं मांस बोलते हैं? मांस तो मांस तो खाते हैं हम, मतलब बकरे का, फिश का, चिकन का। तो गाय गाय को आप क्या क्या मानते हो फिर? गाय गाय के हवाले से आप क्या बोलते हैं? गाय को क्या मानते हैं? गाय को मतलब गाय को एक मतलब सबसे जितने भी जानवर है सबसे बेहतरीन जानवर गाय है, जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, यही मानते हैं। तो पूजने 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 की बात आप पूछते हो क्या गाय वगैरह को? बिल्कुल पूछता हूँ, क्यों नहीं पूछूंगा। अगर मैं आदर साहब को पूछ सकता हूँ, मेरे माँ बाप को पूछ सकता हूँ, तो गाय को क्यों नहीं पूछ सकता, पेड़ को क्यों नहीं पूछ सकता? पूजा करना मतलब आप क्या समझते हो, इबादत करना। तो गाय आपकी तो क्या गाय सुनती है आपकी क्या? गाय बताए क्या गाय आपकी मनते सुनती है क्या? क्या आवाज है क्या आप लोग गाय को पूछते हो? गाय गाय हमारी नहीं सुनती, हम गाय की सुनते हैं इसीलिए पूजा करते हैं। गाय हमारी सुनती है इसीलिए हम पूजा करते हैं, हमारे लिए जो फायदेमंद होगा उसी के हम पूजा करेंगे। तो फिर आप खाते क्यों हैं मतलब गोश्त क्यों खाते हैं? मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ, अपनी माँ बाप की पूजा करता हूँ, छोटे लड़कियों की पूजा करता हूँ, पेड़ पौधे, नली नादा, ये नदी, ये धरती, इन सब की पूजा करता हूँ। पूजा करता हूँ मतलब थैंक्स गिविंग करता हूँ। मेरे माँ बाप को क्यों थैंक्स गिविंग करता हूँ? उन्होंने मेरे को इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, मेरे गुरु मेरे को संस्कार दिए। गाय मेरे को अपनी मेरी माँ जैसे मतलब पालती है, गाय की दूध पी के हम इतने बड़े हुए, इसलिए मैं उनकी उसकी थैंक्स गिविंग करता हूँ। फिर ये पेड़ पौधे वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर 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 कोई अगर कोई जो है ना ये दूध गाय का दूध पिए बगैर ही बड़ा हुआ हो तो बड़ा हुआ है तो खेत में उसकी तो खाद आप इस्तेमाल करते हो, उसकी गोबर फर्टिलाइजर की तरह? नहीं गोबर वो तो अलग बात हो गई ना कि वो गांव में इस तरह के अक्सर होते हैं वो जलाने के लिए ना, लकड़िया वकड़िया और गोबर साथ में मिला वो जलाते हैं ना, उनसे ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूछते तो नहीं है ना। नहीं सुनिए, ये मतलब आप खेती करते हो? हाँ खेती भी करते हैं। अच्छा खेती खेत में गोबर डालते हो? हाँ वो भी जमीन के लिए इस्तेमाल होता है खेत से पहले ये जो डालते हैं। जी हाँ बिल्कुल जी, वो बेनिफिट तो आप ले रहे हो, ये उसकी बेनिफिट तो और भी है इससे, तो कई इससे तो मतलब ये बेनिफिट भी लिया जा सकता है कि इसमें गैस होता है पता नहीं क्या, उससे भी काफी जो है ना टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पूजने की हद तक तो बात नहीं जाती ना कि हम उसको पूजने लगे। तो आप मतलब किसी से कुछ लोगे उसको थैंक्स भी नहीं बोलोगे, ऐसा ना परामर्श हो? तो गाय क्या समझे थैंक यू को, गाय तो एक जान सुनिए गाय क्या समझेगी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको फ्रेंच आती है?
अच्छा, गाय मुझे दूध दे क्या दे क्या, मैं उसे मतलब अपने कंधों पे उठा के पैरों का गाय को क्या पे? नहीं, गाय को कंधे पर उठा के, गाय गाय को तो आप कंधे में उठा नहीं पाओगे। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब पूजना तो इसी का नाम हुआ कि उसके सर पे बैठा हो, कंधे पे भी नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको सर पे बिठाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इंसानों के चलिए लिए ठीक गाय है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए हम उसको सर पे बिठा कर रखते हैं। फिर ही दूसरे जानवरों को गोश्त क्यों खाते हैं, बकरी का और ये? जानवर हमें क्या फायदा देता है? गाय जितना फायदा दे रही है क्यों, वनस्पति, बकरी भी दूध वो बकरी देती है, गाय भी दूध देती है, बकरी भी देती है। कितना देती है? वो बकरी कितनी होती है? वो तो छोटी सी होती है, बस वो कितना दूध देगी? वो ज्यादा से ज्यादा कितना? किलो 2 किलो दूध देगी, या 1 किलो, या ज्यादा से ज्यादा आधा किलो बकरी? बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध नहीं देगी, 100 150 ज्यादा से ज्यादा। बकरी के 4 बच्चे होते हैं, वो तो सारा दूध वो लोग पी नहीं, खैर जाएंगे। फिर आपको जो है ना बकरी का भी थोड़ा पूजा वूजा करना चाहिए आप लोगों को, इस तरह से नाइंसाफी है। नहीं, बकरी हमें कितना देती है? 100 ग्राम। उसके तो खुद के 4 बच्चे एक साथ होंगे, या 2 बच्चे, कम से कम 2 बच्चे होंगे, वो तो हाँ सारा पी खैर, जाएगा। उसकी पूजा थोड़ी कम किया करो, लेकिन किया तो करो ना बकरी की। यार नहीं, कम कम क्या करो, थोड़ी सी करो, आप स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। अगर आप स्टार्ट करोगे तो कोई मना करने वाला है नहीं। अच्छा, अब अभी अगर मैं आपको बीफ बर्गर दूं, बीफ बर्गर ठीक है, उसके अंदर नहीं, आपको पता नहीं है कि गोश्त किस चीज का है, गाय का है या बकरी का है, आप खाओगे? बाहर तो मैं ये नहीं खाता हूं बाहर, मतलब मीट मटन नहीं खाता हूं बाहर, क्योंकि जो चीज मेरे को नहीं पता और मेरे पर्टिकुलर मेरे तरीके से अगर वो जेबा नहीं हुआ है वो मैं नहीं खाता। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल के गए वैसे अगर जेबा हुआ तो वो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो आप तो प्रॉफिट्स में नहीं मानते? नहीं मानता, उनकी वो जो तरीका बता के गए वो तो एंटी ह्यूमन है, एंटी जस्टिस है, इसीलिए मैं मतलब उनको अच्छा नहीं समझता। नहीं, आप ये मानते हैं कि वो आए थे अपने टाइम पे, वो अल्लाह के नबी थे, या आप ये बात मानते हैं? जी रसूल नहीं, थे, ये अपने लोग नाटकबाजी कर रहे दिए? हैं, ये अच्छा, जितने ये भी नहीं हैं मानते हैं? ये नाटकबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले ये अच्छा, नाटकबाजी तो फिर इनके बारे में सुन के आप क्यों इनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप क्यों इनको जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी? किनको किनको? अच्छा, मैं शुरू से पूछता हूँ, आप प्रॉफिट्स पे यकीन करते हैं कि वो थे? जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे ये मैं यकीन करता हूं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्रूवन फैक्ट है। अच्छा, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप मानते हैं, और प्रॉफिट्स जो हैं ईसा और जो जितने नाम हम जानते हैं इसके अलावा और भी हैं, लेकिन आप सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं? नहीं, मानता नहीं हूं, वो थे, ये हिस्टोरिकल प्रूवन फैक्ट है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद के जितने भी आए उनके थोड़े जितने जिन लोगों के हिस्टोरिकल फैक्ट्स मौजूद है उन लोगों को, मतलब वो लोग थे, इतना मैं मानता हूं। अगर इब्राहिम अच्छा, इतना में? अलैहिस्सलाम अच्छा, फिर उसकी क्या प्रूफ है आपके साथ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप किस प्रूफ से आप मतलब ये मानते थे कि वो है या थे? वहीं से तो आया है, ये अब्राहमिक रिलीजन 3 है, तो वो है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। अच्छा, आप तो इस लिहाज जी से मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे क्योंकि इब्राहिम एक जी रिलीजन है? हाँ, जी अच्छा, तो फिर आप उसके बाद जो क्रिश्चियनिटी आई है, ईसाइयत, जी उसके वही बारे में क्या ख्याल है आपके? सेम सेम ख्याल है। आज तक कोई प्रॉफिट आया है नहीं, ये लोगों ने मतलब इन लोगों की स्टोरी लिखी और खुदा मतलब गॉड की तरफ से आके आया बोल के लोगों को बेच दिया, कुछ लोग खरीद लिए,
कुछ लोग नहीं खरीदे। क्योंकि इस्लाम से पहले तो क्रिश्चियनिटी मेरे ख्याल में थी ना, हजरत ईसा का टाइम दौर था, फिर उसके बाद जो है ना आखिर में इस्लाम जो है ना, फिर तो फिर इसके हवाले से, हाँ फिर इसके हवाले से हजरत ईसा के बारे में आपके क्या ख्याल है, हजरत ईसा थे या नहीं थे? जी, हजरत ईसा के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं। मैं दो मतलब अब्राहमिक रिलीजन को अच्छी तरह से मैं स्टडी किया हूं। एक है जूडाइज्म, एक है इस्लाम। ठीक है, तो जूडाइज्म, जब मैं जूडाइज्म ये सब ये जो प्रॉफेट आदम है, मतलब सॉरी सॉरी प्रॉफेट इब्राहिम, अब्राहम जो उनको बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, क्या करके गए, कितना बोले कितना नहीं बोले, क्योंकि मैं बुत परस्त हूं, मेरे को सब दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे आप समझो, किसी डॉक्टर डॉक्टर का कोई दूसरा डॉक्टर अच्छा से जज करेगा या नहीं जज कर पाएगा, वो कितना सही किया कितना गलत किया जज कर पाएगा, किस पर ये सिचुएशन में मरीज थी उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, ये एक डॉक्टर ही जज कर पाएगा, आम इंसान तो नहीं जज कर पाएगा। वैसे मतलब वो जो जो आपके मतलब किताबों में लिखा हुआ है बुत परस्ती के बारे में, वहीं से मेरे को जज मतलब मैं जज ये किया कि वो लोग कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या वो छुपा रहे हैं और क्या क्या हाईलाइट कर रहे हैं, वहीं से मेरे को अच्छा, इस पूरी दुनिया मालूम। में सिर्फ आपको पता चला, ये किसी और को ये पता नहीं चला? हाँ, आप ही जी ठीक सोच रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ही ठीक सोच रहे हैं, आपको पता चला, किसी और को पता नहीं चला इनका? शायद पता चला होगा, तो इस जनरेशन में मेरे को पता चला, किसी और जनरेशन में आदर साहब को पता चला था, इसीलिए उन्होंने मतलब ये एक्सेप्ट नहीं किया उनको प्रॉफेट की तरह। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, खैर लोग जब जो है ना आप वो सुन रहे हैं, तो लोग खुद ही जो है ना वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सही है या कौन किसका रिलीजन सही है या किसके अकीदे सही है, तो ये जी मेरे ख्याल में लोग ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना? जी, हाँ, बिल्कुल तो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम थे लेकिन और नहीं थे, तो फिर ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये कैसे आए फिर? मैं तो हैरान हूँ, नहीं, फिर आपको आप फिर मेरी सबको मानना चाहिए। नहीं, सुनिए, आप मेरी बातों को ठीक से समझे नहीं। हजरत हाँ इब्राहिम सलाम से पहले जितने भी आप बोलते हो नबी आए, प्रोफेट्स आए, उन लोगों की हिस्टोरिकल प्रूफ कुछ नहीं। जिन लोगों की हिस्टोरिकल प्रूफ है, तो उनको मैं मतलब वो एग्जिस्ट करते थे ये मैं मानता हूं, लेकिन वो प्रॉफिट थे ये मैं नहीं मानता। आज तक कोई प्रॉफिट आया ही नहीं, मेरे मेरे नजदीक, मैं जितना देख रहा हूं, आज तक कोई एक सिंगल प्रॉफिट आया ही नहीं। ये सब स्टार्ट किए ज्यूज लोगों ने, जो अपने आप को जीव बोलते हैं आज के डेट में, वो भी ब्रेन वॉश्ड है। वो नहीं है कि आप ये मतलब बताएं कि ये आसमान और जमीन किस ये कैसे बने, किसने बनाए पहाड़, ये आसमान जमीन ये किस कैसे बने? जी, बेहतरीन सवाल। तो इसका जवाब मेरे पास ये है, मैं टेस्ट देता हूं। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट साइंटिस्ट अपॉइंट करके रखे हैं, वो लोग मतलब अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंस लैब बना के। जिस दिन उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा, उस दिन हम सबको मालूम पड़ जाएगा, टीवी न्यूज अच्छा, चलाएगा। अभी तक आपको ये पता नहीं है कि आसमान और जमीन कैसे बने? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, इसके लिए मैं साइंटिस्ट के ऊपर ही निर्भर करूंगा। तब से वैदिक मतलब ऐसे हम यही तो काम। आपको आपको गॉड नहीं बताते क्या? आपके गॉड आपको नहीं बताते? हमारे गॉड, हमारे कौन सा गॉड है, हमारे गॉड कौन है? आपका गॉड तो फिर साइंस होना चाहिए ना। नहीं, हमारे गॉड मतलब आप गॉड जिसको बोल रहे हो गॉड, तो हमारे गॉड कौन है, गॉड का डेफिनेशन आप बताओ। तो एथियस्ट के तो गॉड नहीं होता ना? नहीं, आप बोल रहे हो सनातनियों के गॉड, तो गॉड का डेफिनेशन बताओ। वो सनातनियों की मतलब जिसको भी आप गॉड बोल रहे हो उनके साथ मिला, उनकी डेफिनेशन के साथ मिला के देखते हैं, अगर वो दोनों गॉड निकले वो तो हम आपको ये गॉड। नहीं बताते कि आसमान और जमीन कैसे बने, आपके गॉड आपको ये नहीं बता के गए? हमारे गॉड कौन है, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे गॉड कौन है। मैं तो तो फिर आप किसकी पूजा करते हो?
आपको पता नहीं है कि क्या आप किसकी पूजा कर रहे हो? मैं अपने माँ बाप की, मैंने कहा ना, मैंने आपकी, मैं माँ बाप की पूजा तो करता हूँ, क्या उनकी मैं अपने मूर्तियां माँ बनाई हैं बाप आपने? की। अपने माँ बाप की मूर्ति बनाई है आपने, वही पूछते हो? मैं आचार्य साहब की पूजा करूंगा, आचार्य साहब की मूर्ति मैंने बनाई हुई है, तो वो पूजा आप, बनाई अभी आपने कहा कि मैं हुई माँ बाप की पूजा करता हूँ थोड़ी देर पहले, जी अभी, अभी। जी, वो तो जिंदा है, उनकी मूर्ति बनाने क्या जरूरत है, वो तो मतलब उनकी मतलब आरती भी कर सकता हूँ, उनको खाना भी दे सकता हूँ, उनको मतलब ड्रेस भी दे सकता हूँ, वैसे सब मेरे ख्याल में तो आपके गॉड को ये ही नहीं पता कि उसने आसमान और जमीन कैसे बनी है, तो ये कैसा गॉड है आपके अरे यार? आपका गॉड कैसे गॉड है, उसको ये भी नहीं पता कि आसमान और जमीन कैसे बनी है? मेरे पास कोई गॉड है ही नहीं, मेरे गॉड मतलब होगा तभी तो उसको पता तो चलेगा मेरे पास इसलिए गॉड। सिर्फ तो इसलिए आपने अपने नाम के साथ ये एथियस लगाया, क्योंकि जब यहाँ पे बात आए तो फिर आप ये कह के खुद को निकाल सके कि मैं तो गॉड पे यकीन ही नहीं रखता। नहीं, सुनिए, ये मतलब ये हर मुसलमान को जानने की मतलब जानना चाहिए, हर मुसलमान को क्या जानना चाहिए, आप जिसको गॉड बोल रहे हो तो गॉड है कौन मेरे को आप बताओ, ये जो हमारे गॉड आप बोल रहे हो, हमारे गॉड है कौन, आप मतलब कुछ आइडिया मेरे को दो, आपके तो हमारे कई गॉड हैं, गॉड एक गॉड तो नहीं होगा, आपके तो कई गॉड होंगे। तो जितने गॉड हैं कुछ कुछ का तो नाम आपको मालूम होगा, हाँ, कुछ के तो नाम पता है मुझे, कुछ ठीक बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा और शिवा और कृष्णा, और जी ये गॉड्स है ना जी जी, तो हमसे ही ये कहे हैं आपको किसने कहा ये गॉड से, कौन ये? अभिषेक ने कहा है मुझे, अभिषेक ने कहा था मुझे, अभिषेक, कौन अभिषेक, ये जो हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये अभिषेक जुड़े हैं, तो इनसे मेरे हाँ डिबेट करूंगा, फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ गॉड ये कैसे मतलब गॉड, तो हाँ वो अभिषेक भाई, गॉड है, इनसे जरा डिबेट करो। ये बोलते हैं कि शिवा गॉड नहीं है, कृष्णा गॉड नहीं है, और ये तो ये बोल रहे हैं। अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ मेरी आवाज आ रही है, जी जी बिल्कुल क्लियर है हेलो, अभिषेक भाई। ये पंडित जी बोल रहे हैं कि शिवा गॉड नहीं है और कृष्णा भी गॉड नहीं है, ये कैसे है? ये कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, आप जरा हमें बताएं। एक मिनट थोड़ा सा मैं पंडित जी से बात कर लूं, ठीक है, जी बेहतर कैसे है पंडित जी प्रणाम, जी, बहुत बढ़िया। हाँ और बताएं कैसे चल बेहतर रहा है। जी, चल तो बहुत मतलब अच्छा अच्छा पंडित चल जी, रहा मेरे है, मतलब को मैं समझ गया, जी मैं ये पूछ रहा था पंडित जी, आप पंडित हैं ऊपर से जी एथिस्ट हैं, मतलब ये प्रेजेंटेशन क्या देना चाह रहे हैं, मतलब एथिस्ट हैं लेकिन पंडित हैं, पूछा जी इसलिए। बेहतरीन जी बेहतरीन, तो एथिस्ट का मतलब क्या है, मतलब एथिस्ट का डेफिनेशन क्या है आप मेरे को बताओगे, एथिस्ट कौन सी वर्ड है कुछ, हाँ एथिस्ट वो ये वर्ड का मतलब कौन सी डिक्शनरी से आता है, मतलब ये किस भाषा में वर्ड है ये जी, हाँ तो मैं पूछा था आप बोले आप आवाज किसकी आ रही पूजा करते हैं, मतलब आप पंडित हैं, नहीं मतलब जिसको, ऊपर से देखो जी हाँ मैं बस ये पूछा था, पूजा किसी करते हैं आप, पूजा किसकी करते हैं, पूजा? नहीं, सबसे पहले आप एथिस्ट के मतलब मेरे को पूछे थे, मैंने मैंने पूछा एथिस्ट कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है, मैं आपसे पूछ रहा, मैंने तो अभी तो सवालात किया ही नहीं, मैं तो अभी जस्ट अभी मेरी आवाज आप तक पहुंची, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप पंडित जो हैं, पंडित तो पूजा करते हैं ना, जी बिल्कुल करते हैं तो वही पूछ रहा था आप जी किसकी पूजा करते हैं। जी ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मैंने अपनी माँ बाप की पूजा करता हूँ, गाय की पूजा करता हूँ,
पेड़ की पूजा करता हूँ, पौधों की पूजा बहुत करता हूँ, धरती की पूजा करता हूँ, सूरज की पूजा करता मतलब हूँ, नदी की पूजा करता हूँ, नहीं, मैं पूछा गुरु की भगवान पूजा की करता पूजा हूँ। करते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, भगवान की अरे पूजा करता भगवान की हूँ। पूजा करते, जी बस बिल्कुल, बस यही भगवान की पूछ पूजा रहा करता था। हूँ। जी तो वही जलमी भाई जो है यही चीज पूछ रहे थे आपसे, आप किसकी पूजा करते हैं? तो ये चीज क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, आपको बताना चाहिए था किस भगवान की पूजा करते हैं। जी, मैं कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ, राम भगवान की करता हूँ, गणेश भगवान की करता हूँ, शिव जी की करता हूँ। तो बताइए आगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, यही चीज तो जो जलमी भाई तभी से पूछ रहे थे आपसे। बिल्कुल नहीं, वो सवाल मेरे से नहीं पूछ रहे थे, बिल्कुल, वो पूछ रहे थे किस गॉड की पूजा करते हो, किस गॉड की पूजा करते हो, ये नहीं पूछ रहे थे। अभिषेक ने बिल्कुल सही बात कही है पंडित जी, अभिषेक ने बिल्कुल सही बात पूछी है आपसे। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि आप क्या मतलब पूछते तो आप किस चीज को पूछते हो, मेरा यही मतलब जी 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 सुनिए, गॉड की डेफिनेशन क्या है, गॉड कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है, देखते हैं। अभिषेक जी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, एनालिसिस करके। गॉड कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है मेरे को बताओ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ठीक है? आप जुडाइज्म की बात कर रहे थे, जुडाइज्म रिलीजन के बारे में आप पूछ रहे हैं हम सबको। जब जब गॉड गॉड से हम निकलेंगे तभी आगे बात होगी, गॉड कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है, उसकी डेफिनेशन क्या है। पंडित जी आप जो बात करते हैं ना, मेरे सर के ऊपर से जाता है, पर्सनली मेरे सर वही के ऊपर से जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, सर आएगा कैसे आएगा, अगर आप मतलब ये पंडितों से ट्रेनिंग नहीं लोगे कैसे आएगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। गॉड कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है, उसका डेफिनेशन क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ गॉड पंडित कौन सी जी, लैंग्वेज, आप गॉड कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है, उसका डेफिनेशन क्या है। गॉड हिंदी में भगवान, ठीक है? नहीं, उर्दू हिंदी में में बात आप करें मत तो कहो, अल्लाह। हिंदी में आप मत कहो गॉड का डेफिनेशन, मेरे को बताओ गॉड कौन सा इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज की वर्ड है ये बताओ। अंग्रेजी, जी ओ डी, जी ओ डी कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है, और डी अंग्रेजी हिंदी में क्या अंग्रेजी होता है वो हम बाद में देख लेंगे। जी ओ डी कौन सी लैंग्वेज की वर्ड है। बोला तो अंग्रेजी। अंग्रेजी हाँ अंग्रेजी, उसका डेफिनेशन क्या है। ये साहब आपको अब बता देंगे, हिंदी ये में जो जालमी साहब यहाँ पे बैठे हैं ये बता देंगे। जी पंडित जी, अगर बताएं गॉड की बताएं बताएं। डेफिनेशन आप जान भी ले तो क्या आप उस पे यकीन कर लेंगे? नहीं, आप बताओ तो सही, गॉड का डेफिनेशन, ये इनको इनका गॉड का मुझे यह डेफिनेशन। समझाएं कि ये किस धर्म पे बिलीव रखते हैं, प्लीज मुझे कोई ये समझाए कि ये पंडित जी क्या है आखिर। नहीं सुनिए, यहाँ पे हम गॉड की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको सब मालूम पड़ जाएगा गॉड के, आपके हिसाब से गॉड की डेफिनेशन क्या है। हाँ कवल भाई, वो मैसेज जरा हाईलाइट कर दें वो जो आपने लिखा था। जी पढ़े 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 आप गॉड का डेफिनेशन, आप पढ़े। गॉड, अच्छा बोलते हैं गॉड अ डाइटी और अ गॉड इज अ सुपर नेचुरल बीइंग हु इज कंसिडर्ड डिवाइन और सेक्रेड। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश डिफाइंस डाइटी एज गॉड और गॉडेस और एनीथिंग रिवर्ड एज डिवाइन। नहीं, आप डेटी के ऊपर छोड़ो, आप गॉड की डेफिनेशन बताओ, डेटी के ऊपर छोड़ो, डेटी का डेफिनेशन हम देंगे, गॉड का डेफिनेशन आप दो। अच्छा अब आप दो, हमने तो अपनी तरफ से बता दिया ना, अब आप डिफाइन करो कि गॉड क्या है। नहीं, आप जिसको खुदा बोलते हो उसकी डेफिनेशन आप दो। डेटी का डेफिनेशन मैं दे ही दूंगा, डेटी का डेफिनेशन अभिषेक साहब देंगे। जी आप गॉड का डेफिनेशन दो। ये नीचे आपने क्या पढ़ा अभी? नहीं, वो डेटी डेटी और गॉड को मिला के डेफिनेशन लिखा गया,
आप जैसे जिसको वो खुदा मानते तो हो आप उसकी बता देना, रोटी। हम तो यही कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया, आप अब बताए ना, अभी आप बताए, अभी आपका नंबर है। जी ठीक है, तो गॉड मैं जितना समझा हूं, गॉड है इंग्लिश वर्ड, वो आता, ये डेफिनेशन आया है अब्राहम, प्रॉफेट अब्राहम से। तो वो गॉड को ऐसे डिफाइन करते हैं, वन हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, और जो ये खाली के मालिक है, मालिक और खाली के मतलब खाली के कायनात, ये जो प्रॉफेट्स भेजते हैं, प्रोफेट्स के थ्रू मैसेज भेजते हैं, और जो आखिरत में आपके ये करेंगे, क्या जजमेंट करेंगे, ये है गॉड का डेफिनेशन। अच्छा, ये यहाँ पे और एक है भगवान का डेफिनेशन, भगवान का डेफिनेशन इनसे अभिषेक साहब ये साहब से पूछिए, फिर दोनों को मिला कर देखेंगे क्या ये दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है निकालेंगे उसको। जी अभिषेक साहब, आप बोलिए भगवान का डेफिनेशन क्या है। देखें, अगर भगवान का डेफिनेशन मेरे से बात मांगेंगे आप तो भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, नहीं, आप जी तो बताइए, क्या देखते हैं क्या गॉड के डेफिनेशन से मिलता है इन जैसे, मतलब गॉड का डेफिनेशन जो मैंने कहा। तो सुने आप मेरी बात। ठीक है, जी सबसे पहले जो था, एक आपको लेकर के जाऊंगा, इंडस वैली से पहले भी लेकर के मैं आपको जाऊंगा, पास्टोरल कम्युनिटी के सामने आपको लेकर के जाऊंगा, जो कि स्पेशली जो होते थे वो होते थे कभी भाई होते थे ना। नहीं, मुझे डेफिनेशन आप पहले दो, वो कहां से आया वो देखिए, हम बाद में देखेंगे, हम आपके बात सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन तो दे दो, बहुत मैं डेफिनेशन बार। जी क्या दूं? देखिए, कभी भी आप किसी भी चीज को मानते हैं, ठीक है, फिर हम मानते तो हैं या हम बनाते हैं, हम आपको भी मानते बात। हैं या हम बनाते हैं। अरे पंडित जी, आप बहुत गोल गोल घुमाते हैं। प्रॉब्लम यही चीज का है ना, एक तो अच्छा सवाल ठीक, तो होते हैं नहीं, ऊपर से सामने वाला कोई जवाब दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को समझे ना। ठीक ठीक है है, आप बोलिए, ठीक है सुनता है आपकी बात, चलिए बोलिए। स्पेशली स्पेशली आप जब ड्रामा और करते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी को पकड़िए। ठीक है, रामा कृष्णा को जो है बहुत मुस्लिम लोग भी मानते हैं, इकबाल जो थे, इकबाल साहब, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, राम जो है भारत के इसको बोलते हैं क्या, भारतीय पैगंबर के नाम से राम को डिनोट किया। ठीक है, इकबाल साहब ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिसने लिखा है ना, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। जरा सोचो उनकी प्रोस्पेक्टिव से मैं सोच करके बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राम के बहुत फॉलोवर्स थे, तो उन्होंने उनको जाना, उनके बारे में पढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है तो लोग उसको फॉलो करेंगे, आप अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपको फॉलो करेंगे। और हिंदुस्तान जो है, ठीक है, इंसान से आपको भगवान बनाने का, ठीक है, क्षमता रखता है। आप गौतम बुद्धा को भी देख लें, इंसान से भगवान तक का सफर। ठीक है, आप यही चीज को देखें, मैं बस यही बोलूंगा, आइडियोलॉजी को पकड़ें, किसी भी आइडियोलॉजी को, आप राम को मानते तो ऑब्वियस सी बात है राम की आइडियोलॉजी को पकड़ें, आप बुद्धा को मानते तो बुद्धा की आइडियोलॉजी को पकड़े, आप कृष्णा को मानते तो कृष्णा की आइडियोलॉजी को पकड़े कि उन्होंने क्या लाइफ में किया है, क्या अचीव किया है। ठीक है, बस ये आइडियोलॉजीज होता है, यही मेरा कॉन्सेप्ट, यही है भगवान तक पहुंचने का। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट मोहम्मद को आप समझेंगे, आपने कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद को समझने की कोशिश नहीं की, लोग समझने की कोशिश नहीं करते, लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद बहुत सारे वॉर्स लड़े हैं, अगर वो पैगंबर थे तो उन्हें लड़ने की क्या जरूरत थी। मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के 10 जो है निहायत ही बदमाश बच्चे हैं, तो आप जब तक हाथ में डंडा नहीं उठाएंगे तब तक वो आपको नहीं समझेंगे,
और यही चीज जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने टाइम किया, लोगों ने समझा, ठीक है, इस चीज को समझे। ये जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगाते रहते हैं, ये चीज गलत है। आप एक अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो सारा चीज क्लियर होगा, इस चीज को समझा करें। ओवर टू यू पंडित जी। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो मैं क्या, आपने तो भगवान का डेफिनेशन बताया नहीं, आप मतलब इधर उधर घुमा के चले गए। फिर से मैं आपसे वही सवाल पूछता हूँ, भगवान का डेफिनेशन आप बता दो, कौन क्या कहा क्या लिखा, ये मैं सुनने के लिए नहीं, भगवान का डेफिनेशन आप बताओ। एक मिनट, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जो लाइफ आसान बना दे ना, आपके जीवन को जो आसान बना दे, वही है भगवान। आप जब राम के बारे में सुनते तो लाइफ आसान हो जाता है, कृष्णा को सुनते तो लाइफ आसान हो जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद को सुनते लाइफ आसान हो जाता है, या फिर आप जीसस क्राइस्ट को सुनते हैं तो लाइफ आसान हो जाता है। मैं एक और बात आप पे रखना चाहूंगा आपके सामने, आपने ये विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी, आप उनकी बायोग्राफी को कभी पढ़े, कभी पढ़े तो आपको पता चलेगा, उन्होंने सारे रिलीजन को स्टडी किया, हिंदुइज्म को स्टडी किया, इस्लामिज्म को स्टडी किया, क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया, बौद्धिज्म को स्टडी किया, तो कंक्लूजन क्या निकला पता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि सारे रिलीजन का मोटो जो है एक ही है, ठीक है, और वो है सर, वेलकम, हमारे यूपी भाई आ गए हैं। लोगों को गुमराह करके कोई फायदा नहीं, उनको सच बताओ।